नमस्ते, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, बीएमएस सेकंड ईयर, रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको सुधा वर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुधा वर्ग के बारे में पिछले अध्यायों में मैंने सुधा वर्ग के जो 12 द्रव्य बताए गए थे उनमें से आधे से अधिक द्रव्यों के बारे में आपको बता दिया गया है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको संघ के बारे में बताया, गोदंती के बारे में बताया, इस प्रकार से बताया मैंने आपको। अब मैं आपको इस चैप्टर में संबूक पाइला के बारे में बताने जा रहा हूँ। संबूक ये सुधा वर्ग में आता है, नाम संबूक है, घोंगा भी कहते हैं, PILA पाइला भी कहते हैं, रासायनिक सूत्र CaCO3, पर्याय में क्षुद्र शंख, शंखनाक, संबूक, स्वल्प शंख, खुल्लक, क्षुल्लक, नख शंख आदि इसके पर्याय हैं। पर्यायों से ऐसा प्रतीत होता है कि क्षुद्र शंख है, शंख का छोटा जाति मानी जाती है शंख की, वो उसको माना गया है। यह मोलास्क जाति का प्राणी है जो नदी तालाब तथा झीलों में पाया जाता है। इसकी आकृति शंख से मिलती जुलती होती है, किंतु उसका कवच, जीव शरीर को ढकने वाला जो कवच होता है, पतला, कठिन और कुंडाकृति होता है। इस कठिन कवच की रचना में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। मांसाहारी लोग इसके अंदर के प्राणी को पकाकर खा लेते हैं तथा कवच को जलाकर चूना बना लेते हैं। कवच को जला करके और चूना बना लेते हैं, ऐसा ग्रंथों में, अब तक के ग्रंथों में उपलब्ध वर्णन मिलता है। शोधन, इसके शोधन के बारे में शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है वो इस प्रकार है, नींबू के रस अथवा किसी भी अम्ल द्रव्य में आधे प्रहर यानी डेढ़ घंटे, एक प्रहर का मतलब 3 घंटा, आधे प्रहर डेढ़ घंटे तक संबूक के खंडों को दोला यंत्र विधि से स्वेदन कर लेने से संबूक शुद्ध हो जाता है। तो नींबू के रस, कुल मिला के नींबू के रस में दोला यंत्र विधि से सिर्फ आधे प्रहर यानी डेढ़ घंटे इसकी स्वेदन करने से ये संबूक शुद्ध हो जाता है। इसका शोधन पर्याप्त रूप से होता है ये कहा गया है, मतलब ये मारण के लिए पर्याप्त रूप से शोधित हो सकता है। मारण इसका कैसे करते हैं, भस्म बनाने की प्रक्रिया क्या है इसकी, उसके बारे में बताया गया है। घृतकुमारी का गुदा जो गंवार पाठा होता है, उस गंवार पाठी का गुदा जो पत्तों के छीलने के बाद में अंदर का गुदा होता है, उस गुदे में रखकर श्राव संपूर्ण कर दें, गजपुट में पकाएं, लेने से इसकी भस्म बन जाती है। मतलब इसको सिर्फ घृतकुमारी के गुदे में रखकर श्राव संपूर्ण कर गजपुट में पाक करें तो इसकी उत्तम भस्म बन जाती है। भस्म का वर्ण श्वेत होता है। शुद्ध संबूक के अन्य विधि बताई है भस्म बनाने की। शुद्ध संबूक के छोटे छोटे टुकड़े कर शराब संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में पाक करने से भस्म बन जाती है। मतलब इस विधि में उसको किसी प्रकार के घृतकुमारी के गोदे में रखने की आवश्यकता नहीं है,
सिर्फ उसको उसके टुकड़े कर लें, शराब संपुट करें, बंद करें, गजपुट में पाक करें, टिकिया बना करके, चक्रिकाएँ बना करके, तो वो उसी भस्म बन जाती है। इसे पुनः अब इसमें इसी विषय को पुनः कुमारेश्वरस की भावना देकर उसमें घटकुमारी के गोदी में रखना पड़ता है। इसको भस्म को पुनः कुमारेश्वरस की भावना देकर चक्रिका बनाकर सुखा कर गजपुट की अग्नि में पाक कर लिया जाए तो उत्तम कोटि की भस्म बन जाती है। मतलब इसमें सर्वप्रथम जो भस्म बनाने की प्रक्रिया है उसमें घृतकुमारी के गोदे में रखकर गजपुट करें, उसके बाद में दूसरी विधि है उसमें सिर्फ टुकड़े करके सराज संपुट कर गजपुट में पाक करें, फिर उस बनी हुई भस्म को घृतकुमारी के सूरज में घोट कर चक्रिका बनाकर फिर गजपुट में पाक करें तो उसकी श्रेष्ठ उत्तम भस्म बन जाती है, ऐसा शास्त्रकारों ने इसमें निवेदन किया है, बताया गया है। इसके अतिरिक्त दहकते अंगारों पर शंख की तरह रस को दहकते अंगारों पर रख कर जलावें इसको, मतलब इससे शंभू को दहकते हुए अंगारों में, मतलब बहुत जलते हुए चमकते हुए अंगारों में रखकर जलावें, वह जलने पर लावा की तरह फूल जाता है, लावा की तरह फूल जाएगा, इसे पीस कर रख लें, यही भस्म है उपयोग करें, मतलब इस तरह भी बन सकती है। इस प्रकार से तीन चार तरह की भस्म बनाने का तरीका है, मतलब दहकते हुए अंगारों में इसको पकावें, गर्म करें, फूल जाएगा, फूलने के बाद उसकी चूर्ण कर टुकड़े कर भस्म बना लें, यही भस्म तैयार हो जाएगी। ये भी एक विधि है, उपयोग करें इसका। गुणकर्म इसके हैं, यह दीपन है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, पाचन है, भोजन के पाचन में कार्य करता है, उदर सूर नाशक है, उदर सूर को समाप्त करता है, उदर सूर की बहुत अच्छी औषधि है, नेत्र रोग हर है, नेत्र रोगों को नष्ट करता है, तथा अतिसार को शांत करने वाली होती है, और अतिसार सभी प्रकार के अतिसार हैं, उन अतिसारों को ठीक करने में उत्तम औषधि काम आती है। मात्रा दो रत्ती तक दे सकते हैं, अनुपान नींबू स्वरस एवं उष्ण जल से दे सकते हैं, नींबू स्वरस है, उष्ण जल है, इसे दे सकते हैं। इस प्रकार से इसका प्रयोग करके औषधि रूप में इसका प्रयोग शास्त्रों में बताया गया है। तो अब इसी प्रकार मैंने आपको शंभू के बारे में जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है उस वर्णन को मैं आपको सबको बता दिया है। इसके अतिरिक्त शंभू का वर्णन अधिक नहीं है, इसको इतना ही याद करें। इसके बाद मैं आपको अगला जो सुधा वर्ग का द्रव्य है उस सुधा वर्ग के द्रव्य के बारे में बता रहा हूँ। अगला सुधा वर्ग का द्रव्य है समुद्र फीन, इसको कैटल फिश बोन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम कैटल फिश बोन है, समुद्र फेन है, सुधा वर्ग में आता है, नाम समुद्र फेन है। पर्याय इसका समुद्र फेन, फेन, सफेन, फेनक, अवधि फेन, डिंडोर, अवधि कप, ये इसके पर्याय हैं। यह केरल, यह केटल फिश बोन, केटल, यह केटल फिश बोन के नाम से भी जाना जाता है, इसको केटल फिश बोन भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। केटल फिश बोन समुद्र में पाए जाने वाले मत्स्य जातीय प्राणी का पृष्ठभाग है, मतलब मत्स्य जाति, मछली जाति के समुद्र में पाए जाने वाले मछली जाति के जीवाणु का पृष्ठभाग कहलाता है, उसको कैटल फिशबोन कहते हैं। जो प्राणी की मृत्यु के बाद, इसके अंदर रहने वाले प्राणी की मृत्यु के बाद अथवा ऐसे भी शरीर से छूटकर पृथक होकर समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ तटीय भाग तक आ जाता है, जिसे मछुआरे लोग एकत्र कर बेचते रहते हैं,
यह समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ फेन की तरह प्रतीत होता है, जैसे फेन या झाग, जैसे झाग होता है उस झाग की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इसको समुद्र फेन भी कहा गया है। झाग झाग जैसा लगता है, अतः इसे समुद्र फेन भी कहते हैं। यह स्थूल चपटा नेत्राकार लंबे किनारे का अत्यंत धारदार किंतु भंगुर का मतलब टूटने वाला, तथा मध्य भाग मोटा होता है, इसका मध्य भाग से मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, पृष्ठभाग किंचित पांडुर, पीठ का भाग जो है किंचित पांडुर रंग का, श्वेत तथा अंतर्भाग निर्मल एवं श्वेत वर्ण का होता है, अंतर्भाग जो है निर्मल है और श्वेत वर्ण का होता है, नख से अंतर्भाग खुरचने योग्य होता है, मतलब नख से इसके अंतर्भाग को इतना मुलायम होता है कि नख से खुरचने योग्य होता है अंतर्भाग, सूखने पर श्वेत चूर्ण रूप का हो जाता है, इसको सूखने पर श्वेत चूर्ण रूप में प्रयुक्त हो जाता है, शीशे को साफ करने के लिए इसे घिसते हैं, मूर्ति तथा विविध आकृति बनाने के लिए तथा औषधि कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब इसका उपयोग जो मुख्य रूप से है शीशे को साफ करने के लिए इसे घिसते हैं, मूर्ति तथा विविध प्रकार की आकृति बनाने के लिए काम आता है एवं औषधि कार्यों के लिए इसका उपयोग होता है। शोधन औषधि उपयोग के लिए शोधन करना पड़ता है, तो शोधन के लिए इसके बारे में बताया गया है। शोधन हेतु प्रथम समुद्र फेन के बाह्य पतले कठिन परत को अलग कर लें। सबसे पहले क्या करें, समुद्र फेन के बाह्य कठिन पतले और कठिन परत जो होती है उसको पहले अलग कर लें, तत्पश्चात खरल में पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को नींबू स्वरस का समान भाग डालकर अच्छी तरह मर्दन करें, सुखा लें, सुखा कर रख लें। आभ्यंतर प्रयोग तो इसका शोधन आवश्यक है, विशेषतः से बाह्य प्रयोग के लिए लिया जाता है। अगर बाह्य प्रयोग करते हैं तो इसको शोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आभ्यंतर प्रयोग यानी शरीर के अभ्यंतर लिया जाए इसको मुख के द्वारा तो इसका शोधन आवश्यक है, शोधन कराना चाहिए। शोधन में इसको इतना ही है कि इसके कठिन परत को हटा करके चूर्ण करके इस चूर्ण को नींबू सुरस में भिगोकर अच्छी तरह मर्दन करें और मर्दन करके सुखा लें, इसी से इसका शोधन होता है। इस प्रकार से शोधन कर लें, मारण की इसकी आवश्यकता है नहीं, इसी प्रकार इसका शोधन करके इसका प्रयोग कर लें। बाह्य प्रयोग अधिक है, आभ्यंतर प्रयोग कम है, इसका मात्रा इसकी 2/3 अनुपान शहद अथवा जल से है। गुणकर्म में यह रस में कषाय है तथा वीर्य में शीत है, शीत वीर्य कहा गया है इसे। कर्म की दृष्टि से ये लेखन है, लेखन कर्म करता है, शरीर में अनुवांछित मेद धातु को लेखन करके बाहर निकालता है, खुर्च करके बाहर निकलता है, वह लेखन कर्म होता है। दीपन है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। पाचन है, भोजन का पाचन करता है। यह आंत्र की गति को बढ़ाने वाला है, आंत्र की जो गति है पचाने की क्षमता, उस आंत्र की गति को बढ़ाने वाला काम करता है। नेत्र के लिए हितकारी है, नेत्र रोगों में औषधि के रूप में अच्छा कार्य करता है, नेत्र की लिए हितकारी माना गया है इसे। कर्ण स्राव में स्राव को सुखाने वाला होता है, अगर आपके कान से कोई स्राव निकल रहा है, कर्ण बह रहा है, स्राव निकल रहा है, तो औषधि के द्वारा कर्ण को सुखाने वाला होता है, कर्ण स्राव को सुखाने वाला सुखा देता है, उस यह विषदोष को ख़त्म करता है, जो शरीर में विषदोष है उसको समाप्त करता है। कफ तथा कुष्ठ
रोगनाशक भी है। इसको कुष्ठ रोगनाशक भी कहा गया है, कुष्ठ लेप्रोसी उसमें भी नाशक है, कफ रोग को ठीक करता है, और विशेष तौर से विष दोष, शरीर में जो विष दोष होता है उस विष दोष का शमन करके ठीक करता है। इस प्रकार से मैंने आपको इस अध्याय में दो जो आपको सुधावर के द्रव्य हैं, समुद्र फेन और समुद्र फेन के अलावा आपका जो शंभूक है, इन दोनों के बारे में बताया। अब मैं इनको याद करें। धन्यवाद, नमस्कार।